नमस्कार, वेलकम टू टीचिंग आउटलुक। आई एम दीपिका शर्मा। आज जो टॉपिक के बारे में हम जानेंगे उसका नाम है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के बारे में मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि सोशलाइजेशन जो टॉपिक है जो मैंने प्रीवियस ईयर्स में नोटिस किया है, तो कुछ तो एग्जाम्स ऐसे हैं जहाँ पे इसमें से मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कहीं 1-2 तो आए ही हैं, तो कुछ एग्जाम्स ऐसे भी हैं जहाँ पे 1 भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा नहीं गया है। तो ऐसा नहीं है कि आप इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आप वैसे एग्जाम में बैठे हो जहाँ पे इसमें इस टॉपिक में से 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए हों, या अगर 1 मार्क्स का भी पूछा जा गया हो तो आप उसको इस टॉपिक को स्किप ना करें, मेरा तो यही सजेशन रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सोशलाइजेशन। इट इज अ लर्निंग प्रोसेस ऑफ सोशल नॉर्म्स, कस्टम्स, आइडियोलॉजी एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। ये एक बिहेवियर है जिसमें हम सीखते हैं। सोशलाइजेशन एक ऐसा बिहेवियर है जिसमें हम सीखते हैं सोसाइटी के नॉर्म्स के बारे में, सोसाइटी के ट्रेडिशंस के बारे में, कैसे हमें बिहेव करना है। फैमिली में सबसे पहले सोशलाइजेशन हमारी स्टार्ट हो जाती है कि हम फैमिली में छोटे छोटे नॉर्म्स, उठना बैठना सीखते हैं, फिर सोसाइटी में, अपने रिलेटिव्स में, अपने नेबर्स में, फिर जब वर्क प्लेस पे जाते हैं या स्कूल्स में जाते हैं तो वहाँ पे हम सोशल रिलेशंस के बारे में जानते हैं। सोसाइटी में वर्क करना, उनके ट्रेडिशंस के, उनके कस्टम्स के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करना सीखते हैं। तो सोशलाइजेशन इन सभी का पार्ट है, सोशलाइजेशन इन सभी चीज़ों को मिला के बना है। तो इट इज द बेसिस ऑफ मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर। इसको आधार बोल सकते हैं ह्यूमन बिहेवियर का। हम जो भी बिहेव करते हैं उसमें हमारी सोशलाइजेशन झलकती है। कैसे हम सोशली अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, सिचुएशंस को अडेप्ट कर लेते हैं, खुद को कैसे एडजस्ट कर पाते हैं सोशली, वो सब सोशलाइजेशन है। अगर हम कहीं बाहर हैं, मतलब घर में नहीं है, बाहर हैं, तो हम कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे उनको, उनकी फीलिंग्स को भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कैसे उनके साथ ग्रीट कर रहे हैं, वो सब सोशलाइजेशन है। ह्यूमन बिहेवियर जो है मोस्टली सोशलाइजेशन से इन्फ्लुएंस्ड है। कैसे हम सोशली स्ट्रांग हैं, कितने हम सोशली एक्टिव हैं, वो सब हम इससे जान पाते हैं और सीख पाते हैं। और ये सिर्फ इतना नहीं है कि आप फिजिकली एडजस्ट कर रहे हो किसी भी सिचुएशन में खुद को, इससे कहीं ऊपर है कैसे सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हो, उनके ट्रेडिशंस, कस्टम, यहाँ तक कि आप कैसे देश में रह रहे हो, देश के ट्रेडिशंस, देश के कल्चर को अडेप्ट कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हो, आप कैसी लोकेलिटी में रह रहे हो, कैसी सोसाइटी में रह रहे हो, वो सब मैटर करता है सोशलाइजेशन में। एरिस्टोटल ने इसके ऊपर एक कोट कही है, मैन इज अ सोशल एनिमल। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी कोट लगी मुझे, तो मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। बिल्कुल है, क्योंकि सोसाइटी के बिना हम नहीं रह सकते और सोसाइटी हमारे बिना नहीं है। कोई भी आदमी है उसको सोसाइटी से हम अलग नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर्स की वजह से वो एंटी सोशल बन सकता है या अनसोशल हो सकता है कोई भी इंसान, पर ऐसा नहीं है कि वो सामाजिक, बिल्कुल सामाजिक नहीं होगा। उठना बैठना, अपने बेसिक नॉर्म्स को फॉलो करना भी सोशलाइजेशन का ही एक पार्ट है। जैसे हम अपनी डेली की रूटीन फॉलो करते हैं, वो भी एक सोशलाइजेशन का ही पार्ट है कि हम कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो इसमें ये बात बोली गई है कि जो अगर आदमी एक सामाजिक प्राणी है तो उसको समाज से अलग नहीं किया जा सकता। समाज के बिना तो आदमी है ही नहीं कुछ भी। उसका समाज उसकी डेवलपमेंट में हर तरह से, फिजिकल, इमोशनल, सोशल और जितने भी डेवलपमेंट्स के पार्ट होते हैं, कॉग्निटिव, जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, उनके ऊपर सोशलाइजेशन का बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, बट इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। तो उसके बाद हम जान लेते हैं कि फीचर्स क्या हैं सोशलाइजेशन के। सबसे पहले, सोशलाइजेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। डेवलपमेंट के टाइम भी मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, पर उसका जो प्रोसेस है वो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि मदर वॉम से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चा जो होता है माँ के गर्भ से ही डेवलप करना स्टार्ट कर देता है, चाहे वो फिजिकली हो या कॉग्निटिव बेसिस पे हो। पर ये जो प्रोसेस है ये बच्चे का उसके बर्थ के बाद स्टार्ट होता है, जब बच्चे को उसके, वो पेरेंट्स के कांटेक्ट में आता है, फैमिली मेंबर्स के कांटेक्ट में आता है, उसको बुलाने की कोशिश करते हैं, उसको, उसके साथ खेलने की कोशिश करते हैं, तो वो सब उसकी सोशलाइजेशन तभी से स्टार्ट हो जाती है, उसकी सोशलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है और ये टिल द एंड ऑफ द लाइफ तक चलती है। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसको भी हम लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑन ह्यूमन बिहेवियर।
सोशलाइजेशन हमें सिखाती है कि कितना हमें कंट्रोल्ड बिहेवियर में कहाँ कहाँ बिहेव करना है। जैसे हम घर में बिहेव कर रहे हैं वैसे हम सोसाइटी में जाके अपने वर्क प्लेस पे बिहेव नहीं कर सकते हैं, या अपने स्कूल्स में वैसा बिहेव नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे वहाँ के नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम एक लाइब्रेरी में जा रहे हैं वहाँ के कुछ नॉर्म्स हैं, वहाँ पे आपको चुपचाप से बैठना है, अपना पढ़ना है, वहाँ के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। वहाँ पे घर जैसा बिहेव नहीं कर सकते हम। तो वही चीज अपने ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल कर पाना, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग उस पर एक्ट कर पाना, वही जो है हमारी सोशलाइजेशन है। तो ये इसका इम्पोर्टेंट फीचर है। उसके बाद है बेसिक डिसिप्लिन। एक अनुशासन सीखता है इंसान। अगर वो सोशलाइज्ड होगा तो उसको पता है, वैसे भी अगर आर्मी में जाते हैं तो उनको तो एक स्ट्रिक्ट अनुशासन फॉलो करना पड़ता है, डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है। बट नॉर्मल लाइफ में भी अगर हम स्कूल में हैं या अपनी वर्क प्लेस पे हैं तो वहाँ का वहाँ पे किस अनुशासन के साथ हम रह रहे हैं, कैसे अपनी सोशलाइजेशन शो कर रहे हैं, वो सब हमारे डेवलपमेंट को, हमारे कैरेक्टर को, हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको दिखाता है दूसरों को। तो एक अच्छा सोशलाइज्ड पर्सन बहुत अच्छी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करता है। लास्ट है सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। सोशलाइजेशन फॉर्मली भी हो सकती है और इनफॉर्मली। अब ये दो वर्ड्स जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये आपको याद रखने हैं। इनका इम्पोर्टेंट, इनका भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि इसमें से फॉर्मल कौन से एजेंसीज है, फॉर्मल एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन कौन सी है और इनफॉर्मल सोशलाइजेशन की एजेंसीज कौन सी है। तो फॉर्मल वो होती है जैसे स्कूल, कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे हम जाके सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और इनफॉर्मल जैसे हमारा घर और हमारा नेबरहुड, हमारी लोकेलिटी, ये सब जो है ये हमारी इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन है। अभी हम प्रॉपर जानेंगे कि कैसी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन होती हैं और क्या क्या स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन होती है। तो चलिए पढ़ते हैं उनके बारे में। सोशलाइजेशन को हम ऐसे भी एक बेस्ट वे से डिफाइन कर सकते हैं कि बायोलॉजिकल इंडिविजुअल जब एक पर्टिकुलर बिहेवियर सीख जाता है, सोसाइटी में रहने के लिए कुछ नॉर्म्स को, कुछ कस्टम्स को जान लेता है, तो वो एक सोशल बीइंग बन जाता है। तो इन शॉर्ट, इन कम वर्ड्स में आप जो है वो सोशलाइजेशन के मीनिंग को लर्न रख सकते हैं। अब है टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। डिफरेंट बुक्स में बहुत सारी टाइप्स दी गई हैं। 5 टाइप्स मेनली जो है सोशलाइजेशन की होती हैं, बट ये दो ही इम्पोर्टेंट है जहां से क्वेश्चन मोस्टली बन जाता है। तो सभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम नहीं हम वेस्ट करेंगे। जहां से क्वेश्चन आता है हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट है प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड सेकेंड इज सेकेंडरी सोशलाइजेशन। यही से मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन से प्राइमरी सोशलाइजेशन के आस्पेक्ट्स हैं और कौन से सेकेंडरी के। तो प्राइमरी का सबसे पहले जो आस्पेक्ट है वो है होम। होम को फाउंडेशन बोला जाता है। सोशलाइजेशन के प्रोसेस में होम जो है, फैमिली जो है, उसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल रोल माना जाता है। बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस डालती है एक बच्चे की पर्सनालिटी के ऊपर, कैसे वो सोशलाइज्ड होता है सोसाइटी में, वो कैसे बिहेव करता है, कैसे उसकी पर्सनालिटी डेवलप हुई है, कैरेक्टर डेवलप हुआ है, कैसे वो सोसाइटी में अपने इमोशंस को, अपने विचारों को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है, वो सब उसकी आइडेंटिटी रोल से संबंधित है। कैसी आइडेंटिटी उसने होम में अपनी फैमिली से अपने में बिल्ड की है। तो होम का जो है बहुत ज्यादा ही इन्फ्लुएंशियल रोल, बहुत ही स्ट्रांग रोल है सोशलाइजेशन में। और सेकंड है, सेकेंडरी में आ जाते हैं नेबरहुड। घर से बाहर निकल के सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ, अपने नेबरहुड में, अपने लोकेलिटी में लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है चाइल्ड, तो ये सेकेंडरी फॉर्म ऑफ सोशलाइजेशन होगी। फिर उसके पीयर्स, उसकी एज ग्रुप्स के बच्चे जिनके साथ वो खेलना पसंद करता है, घूमना पसंद करता है। और उसके बाद है स्कूल। स्कूल में टीचर का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल रोल रहता है, बहुत ज्यादा प्रभावित रोल रहता है कि टीचर जो है एक बच्चे की सोशलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसको बच्चों के साथ कोऑपरेटिव वे में रहना स्कूल में, बहुत सारे मॉरल वैल्यूज जो है वो टीचर उनको सिखाता है। तो ये दो मेन टाइप्स हैं सोशलाइजेशन की, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है, तो इनको आप याद रखिएगा। उसके बाद है एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, कहाँ कहाँ से जो बच्चा है वो सोशलाइजेशन लर्न करता है। तो सबसे पहले है फैमिली, जैसे कि मैंने आपको बताया घर। घर में उसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स कैसे उसके साथ बिहेव करते हैं, कैसे उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, कैसी वैल्यूज वो सीखता है घर से, उसका कैरेक्टर कैसा बिल्ड होता है, वो सब फैमिली से। घर से बाहर निकलने से पहले सोशलाइजेशन, उसकी सोशलाइज
होने से पहले वो फैमिली में कैसे सोशलाइज हो रहा है, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, वो सब वो अपनी फैमिली से सीखता है। फैमिली के बारे में, होम के बारे में ये बात कही गई है कि जो होम में जो बच्चा सोशलाइजेशन सीखता है, जो चीजें सोसाइटी में जाने से पहले होम में बच्चा सीखता है, वो क्रेडल से लेके ग्रेव तक बच्चे के साथ रहती है। क्रेडल मतलब बच्चे के झूले से लेके उसके ग्रेव, उसकी कब्र तक उसके साथ चलती हैं। इतना ज्यादा इम्पैक्ट होता है होम का सोशलाइजेशन के ऊपर। तो नेक्स्ट है नेबरहुड। घर से बाहर निकल के सबसे पहले अपने नेबरहुड में इंटरेक्ट करता है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, कैसे उनको ग्रीट करता है, कैसे उनके साथ बिहेव करता है, कैसे अपनी एज के बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है, कैसे वो दूसरों के साथ कॉपरेशन की फीलिंग के साथ नई वैल्यूज वो अपनी सोसाइटी से, अपने आसपास के वातावरण से भी सीखता है। थर्ड इज स्कूल। स्कूल को मिनिएचर फॉर्म ऑफ सोसाइटी कहा गया, एक छोटी फॉर्म ऑफ सोसाइटी, पूरी सोसाइटी का एक छोटा फॉर्म, क्योंकि स्कूल में भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है, अलग अलग बच्चों से मिलता है, अलग अलग फैमिली से आए हुए, अलग अलग जगह से आए हुए, अलग अलग रिलीजन के, कास्ट के, अलग अलग ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले बच्चों के साथ घुलता मिलता है, उनको फ्रेंड्स बनाता है, उनके साथ इंटरेक्ट करता है। तो ये सब भी उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत प्रभाव डालते हैं। वो सोशलाइज हो पाता है, कैसे किसके साथ बिहेव करना है, सबके साथ अच्छे से रहना है, ये सब भी वो एजेंसीज है सोशलाइजेशन की जो उसकी पर्सनैलिटी को स्ट्रांग बनाती है, उसके कैरेक्टर को डेवलप करती है। उसके बाद है मास मीडिया। आजकल तो बच्चे, बहुत छोटे बच्चे YouTube से कार्टून देखना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत सारी वीडियोस देखना स्टार्ट कर देते हैं, तो पेरेंट्स को चेक रखना चाहिए कि बच्चे कैसी वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि आजकल अब कोरोना के टाइम में सभी घरों के अंदर बंद है, तो बच्चों के पास भी, पेरेंट्स के पास भी फोन के अलावा कोई और मीडियम ही नहीं है। बाहर नहीं जा सकते तो फोन ही देख रहे हैं, टीवी ही देख रहे हैं, या और मूवीज, सब कुछ ये सब देख रहे हैं। तो अब मास मीडिया का इन्फ्लुएंस जो है सोशलाइजेशन पे इस कोरोना टाइम में, इन सभी फैक्टर्स, प्राइमरी, नेबरहुड, इन सबसे ज्यादा, स्कूल से भी ज्यादा, क्योंकि स्कूल तो बच्चे जा ही नहीं पा रहे हैं, सबसे ज्यादा मास मीडिया का हो गया है कि वो कैसी वीडियोस देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे क्या क्या देख रहे हैं, कैसे वो सीख रहे हैं। अभी जैसे लर्निंग एप्स भी बहुत सारी आ गई हैं, तो वहां से भी जैसी वो सोशलाइजेशन, ये सब सोशलाइजेशन का फॉर्म है। आप और मैं यूट्यूब के माध्यम से जुड़ रहे हैं, आप मेरे को देख रहे हैं यूट्यूब पे, सब ये सोशलाइजेशन का पार्ट है। तो आजकल तो अब तो यही वाला पार्ट, एस्पेक्ट जो है सोशलाइजेशन का, ये हावी हो रहा है सबके ऊपर। तो इसके, ये भी एक मेन एजेंसी है सोशलाइजेशन की बच्चों के लिए। और अब इसमें से एक्टिव सोशलाइजेशन, एक्टिव जो है वो फैमिली, नेबरहुड और स्कूल, इनको एक्टिव एजेंसीज माना जाता है, जहां पे बच्चे एक्टिवली सब कुछ सीखते हैं। न्यूज़पेपर हम पढ़ रहे हैं, मास मीडिया, मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, ये हमारे पैसिव वे ऑफ सोशलाइजेशन। हम लाइब्रेरी में जा रहे हैं, हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं, तो वहां पे जो सोशलाइजेशन हो रही है वो पैसिव वे में हो रही है। पर जो फैमिली से हो रही है, हमारे नेबरहुड से, हमारे पीयर ग्रुप से, हमारे दोस्तों से, वो जो है वो एक्टिव वे ऑफ, एक्टिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन। हमारा जो कंसर्न है बच्चों का वो एडोलेसेंस एज तक ही रहेगा, तो हम यहाँ पे चार स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में ही जानेंगे। तो सबसे पहले स्टेज है इन्फेंसी स्टेज, 0 to 2 years, बाल्य अवस्था। ये जो मैंने एज ग्रुप्स यहाँ पे लिखे हैं, डिफरेंट बुक्स में थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है, बट मेनली ये यही रहती है कि 2 साल तक, 2 से 6 साल तक, वहां पे 7 लिखा हो सकता है, तो इस चीज के बारे में कंफ्यूज मत होइएगा, ये बेसिकली यही रहती है। तो सबसे पहले बाल्यावस्था, 0 to 2 years इन्फेंसी, इस एज में बच्चे की सोशलाइजेशन कैसे हो रही होती है। सबसे पहले वो अपने पेरेंट्स के, अपनी फैमिली के कॉन्टेक्ट में आता है। तो अब पता है कि बच्चा इतना नहीं समझ पाता है, फिर भी सब उसके पास, रिलेटिव्स उसके पास जाके उसको बुलाते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उसको इतना नहीं समझ में आ रहा है, पर वो कुछ बातों पे स्माइल भी करता है, उसकी कॉग्निशन तो डेवलप हो रही है, उसको समझ भी आ रही है थोड़ी बहुत। इसी तरह से जैसे उससे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, प्यार के वजह से उसको केयर दे रहे हैं, उसको अटेंशन दे रहे हैं, वो सब उसकी सोशलाइजेशन कर रहा है। तो इस एज में भी सोशलाइजेशन तो होती ही है, चाहे इस वे में हम उसको उसके साथ इंटरेक्ट करके, उसके साथ बात करके, उसको खिला के, उसके साथ प्ले करके, इस तरह से उसकी सोशलाइजेशन इन 2 years तक होती है। नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड, 2 to 6 years, इसको प्री गैंग एज भी बोला जाता है, टॉय एज भी बोला जाता है। इसमें बच्चे बहुत सारी सोशलाइजेशन के बारे में सीखते हैं, जैसे अगर वो फ्रेंड्स के साथ चीजें शेयर करना, उनके साथ खेलना, उनके साथ कॉपरेशन की फीलिंग, ये सारी फीलिंग्स जो है सोशलाइजेशन उसकी डेवलप करती है।
और बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा अपने ये नहीं सोचता है कि अपने में नहीं रहता है, मतलब बहुत ज्यादा सोशलाइज दूसरों के साथ, दूसरों के इंटरेस्ट, दूसरों की खुशी के लिए भी चीजें करना पसंद करते हैं। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा अपने फ्रेंड के लिए मैं ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ऐसे जो थॉट्स होते हैं। और उनके यहाँ पे जेंडर का कोई रोल्स नहीं होता, लड़के लड़कियां सभी एक दूसरे के फ्रेंड्स रहते हैं। तो नेक्स्ट है लेटर चाइल्डहुड, जो है 7 to 11 years, इसको हम गैंग एज भी बोला जाता है। ये जो अर्ली चाइल्डहुड है इसको, इसमें जो बच्चे हैं वो आंगनवाड़ीज में जाना स्टार्ट कर देते हैं, प्ले स्कूल्स में, प्री स्कूल्स में जाना स्टार्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे भी इनकी सोशलाइजेशन हो रही होती है। अब लेटर चाइल्डहुड जो है वो 7 to 11 years, इसको गैंग एज भी बोला जाता है और स्कूल एज भी बोला जाता है। यहाँ पे बच्चे स्कूल में जाने लग जाते हैं। और ये भी माना जाता है कि जो बच्चे पहले प्री स्कूल्स, प्ले स्कूल्स या आंगनवाड़ीज में जा चुके होते हैं उनकी सोशलाइजेशन बेटर होती है इस स्टेज में जब वो स्कूल्स में जाते हैं, क्योंकि उनको उस एनवायरमेंट के साथ थोड़े फैमिलियर हो जाते हैं तो वो इजिली सोशलाइज कर पाते हैं स्कूल्स में जाके, ऐसा माना जाता है। तो जो लेटर चाइल्डहुड है इसमें जो है, इसमें जेंडर का रोल आ जाता है, लड़के लड़कियां अलग से ग्रुप बनाने लग जाते हैं, लड़कियों की गैंग, लड़कों की गैंग। आपने 4th-5th class के बच्चों को देखा होगा, लड़कियां अलग से बैठेंगी, लड़के अलग से बैठेंगे, कॉम्पिटिशन की फीलिंग हो जाएगी कि हम लड़कों से बेटर करेंगे, हम ऐसे ऐसे स्कूल्स में अगर आपने टीचिंग की होगी तो आपने देखा होगा 4th-5th class के इस एज के बच्चे इस तरह से करना स्टार्ट कर देते हैं। पर इस एज में बच्चों को बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस समझ आने लग जाते हैं, थॉटफुल बन जाते हैं बच्चे, अपने सोशल एस्पेक्ट्स, मॉरल वैल्यूज को समझने लग जाते हैं कि कैसे हमें सोसाइटी में बिहेव करना है, प्रॉपर चीजें जो है वो जानने लग जाते हैं इस एज में। लास्ट है एडोलेसेंस एज, 13 to 19 years, ये बहुत इंपॉर्टेंट एज है, इसके ऊपर तो पूरी एक चैप्टर भी होता है जैसे कि एडोलेसेंस एज के ऊपर। तो इसको स्टैनले हॉल ने कहा था टाइम ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉन्ग, तनाव और तूफान की अवस्था। तो इस एज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव एज इसको माना जाता है। इसमें हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, अपने आसपास बच्चा बहुत जल्दी स्ट्रेस हो जाता है, पढ़ाई का भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, अपना करियर बनाने का इसी एज में कि क्या ऑप्ट करना है आपको अपनी एज के लिए, क्या हमें अपने करियर में करना है, अपने इंटरेस्ट के बारे में। और पीयर का बहुत ज्यादा रोल रहता है इस एज में, बच्चा अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने पीयर्स को देता है, उनके सजेशंस को ज्यादा मानता है, अपने दोस्तों की कई बातें उनके इन्फ्लुएंस में जल्दी आ जाता है। अगर गलत कंपनी में जा रहा है तो उनको लगता है कि जो उनके दोस्त कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। इस एज में ही जो बच्चा है अपनी पेरेंट्स की डोमिनेंस को चैलेंज करने लग जाता है कि आप मेरे साथ ऐसे बिहेव करते हो, बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट रहने लग जाता है फैमिली के साथ। पर हम एरिक्सन की थ्योरी में पढ़ेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो दूर भी होते हैं बाद में, बच्चे फिर अगली स्टेज में उसको पार करके चले जाते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो हर स्टेज में रहते हैं बट इस स्टेज में जो है वो बहुत ज्यादा माना जाता है क्योंकि बच्चे जो है अपना हीरोइज्म, अपनी अटेंशन, उनके हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी अपनी तरफ ज्यादा अटेंशन चाहते हैं और अपने आप को ज्यादा समझदार समझते हैं इस एज में। तो इस एजेस में इस तरह से इनकी सोशलाइजेशन होती है, अपने पीयर्स का प्रेशर, अपने टीचर्स, किसी को रोल मॉडल मान लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं कि वो ऐसे सोशलाइज हो रहा है, ऐसे काम कर रहा है तो वैसा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये थी स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशलाइजेशन। अब कौन कौन से फैक्टर्स है जो सोशलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले है जेंडर। जेंडर जो है आपको बताया कि पहले तो बच्चे सभी लड़के लड़कियां एक जैसे फ्रेंड्स होते हैं इस एज तक, अर्ली चाइल्डहुड तक, बाद में वो अपने गैंग्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं और इस एज में तो ऑपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शंस भी स्टार्ट हो जाती है, बहुत सारे चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो जेंडर का बहुत रोल रहता है सोशलाइजेशन में। नेक्स्ट इज कास्ट। कास्ट का बहुत रोल रहता है, बच्चे बहुत ज्यादा कास्टिज्म में भी चले जाते हैं। और नेक्स्ट है कल्चर। कल्चर कैसे कल्चर से हम आ रहे हैं, कैसे रिलीजन से हम आ रहे हैं, वो सब भी इफेक्ट करता है। और किस देश में रह रहे हैं, कैसे नॉर्म्स हैं, कैसे नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, वो सब भी नेशनैलिटी में आ जाता है। नेक्स्ट है हम सोशलाइजेशन को बेटर कैसे बना सकते हैं। सोशलाइजेशन को हम बेटर अपॉर्चुनिटीज के साथ बना सकते हैं, बच्चे को बेटर अपॉर्चुनिटीज देके सोशलाइजेशन को बेटर बना सकते हैं, उनको मोटिवेशन देके हम सोशलाइजेशन उनकी बेटर कर सकते हैं। तो ये थी स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन। मैं एंड में बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको ये कंटेंट नॉलेजेबल लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक भी करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।